लखनऊ से शिवानी हमारे साथ। स्वागत है शिवानी जी। यस मैम, नमस्ते मैम। मैम नमस्कार। मेरे पैर में स्वेलिंग है, फाइलेरिया है, तो उसके लिए कोई मतलब ठीक है, जी क्या उम्र जी है आपकी? 34। अच्छा बच्चा, देखो है तो बड़ा मुश्किल है उसका, अगर आप समझ जाएं तो, और ख़तरनाक भी बहुत है, और समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप समझे नहीं उसका यूज़ नहीं कर सकते आप। समझ लिए आपने मेरी बात? आप हैं लाइन पर? देखिए बच्चा, एक आता है धतूरा सफ़ेद, ये जहर है, एक बड़ा ख़तरनाक पॉइजन है धतूरा सफ़ेद। ज़रा सा ले लीजिए, 10-20 ग्राम ख़रीद लीजिए, 50 ग्राम ख़रीद लीजिए, और इसके समझ लीजिए खूब आंवला ले लीजिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका पाउडर बना लीजिए, और 1 चम्मच आंवला और 2 पीस इसके धतूरा सफ़ेद के चबाएं, और 1 चम्मच आंवला खाएं, और धतूरा सफ़ेद ही लेना, काला मत ले लेना, वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। समझे नहीं तो कोई भी ये नुस्खा को इस्तेमाल करने की कोशिश ना करे, इंतहाई ख़तरनाक जहर है ये। तो ये आप इस्तेमाल करें, दो दो दाने बिल्कुल, ये मिर्च जैसे होते हैं, मिर्च के दाने जैसे होते हैं, और जायका नहीं होता इसमें। मिर्ची के दाने में तो मिर्ची लगती है, इसमें जायका नहीं होता, ये फीके होते हैं लेकिन ख़तरनाक बहुत हैं। दो दो दाने चबाएं, 1 चम्मच आंवला खाएं, और गर्म पानी पिया करें 5 बार दिन में, और 1 महीने तक लें, फिर हमें दोबारा कांटेक्ट करें। हमसे बात ना हो सके तो हमारे डॉक्टर्स को भी अपनी रिपोर्ट बता सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉलर है गुजरात से रंजीत हमारे साथ। स्वागत है रंजीत हाँ नमस्कार मैडम। जी। नमस्कार, सवाल आपका। मैडम मेरे को कमर में तकलीफ है, तीन कहाँ पे? चार साल से कमर कमर में 3-4 साल से तकलीफ है। ठीक है ठीक है। बेटा उम्र दवाई बताइए। अपना कर हमारे एक्सरसाइज भी कर रहा है, पर डॉक्टर भी बोलता है कि दवाई चाल रखो, वजन नहीं उठाने का, ऐसा ऐसा। जी जी ठीक, और सभी तो पूरी हड्डी में आवाज भी आता है और पूरा शरीर सुबह सुबह बहुत जकड़ जाता है। ठीक है ठीक है। आप देखिए, डॉक्टर की एहतियात भी माने और वज़न भी नहीं उठाएं, मेरी भी एक बात मान लें कि वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला हमारे घरों में नहीं हो तो हमें लगवा लेना चाहिए, क्योंकि हर घर में एक मरीज़ ऐसा होता है, और बस यही एहतियात है। अब आपको लेना है गोंद सियाह, काला गोंद, ये मुश्किल से मिलता है, नकली भी बहुत मिलता है, असली लेना है, रॉ मटेरियल लेना है, पिसा पिसाया कोई दे तो मना कर दो, बिल्कुल साफ पिसा पिसाया नहीं चाहिए, विश्वास मत करो, असली गोंद सियाह जो ब्राउन कलर का होता है और जायके में इतना कड़वा होता है कि अगर एक चुटकी आपने ज़बान पर रख लिया तो बगैर कुछ मीठा खाए आपकी ज़बान कड़वी रहेगी, चाहे 2 दिन हो जाए। तो ये इसकी पहचान है, ब्राउन से कलर का होता है, गोंद काला कहते हैं या गोंद सियाह कहते हैं इसे। 100-200 ग्राम खरीद लें और पाउडर बनाएं, 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम, पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, या रईस है तो जूस से भी ले सकते हैं। सबसे फ़ायदा करता है सब्र करना, 5 दिन 8 दिन 10 दिन में फ़ायदा शुरू करता है, लेकिन जब करना शुरू करता है तो फिर आदमी सोचता है कि मेरा दर्द कहाँ गया। वज़न नहीं उठाएं, डॉक्टर की हिदायत पे अमल करें और आप खुश रहें। जी नेक्स्ट कॉलर है सिरसा से रीता हमारे साथ। स्वागत है रीता आपका, हाँ जी मैम, नमस्कार। बोलिए। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी, मेरे को थिंकिंग बहुत आती है, उम्र मेरी 40 साल है। ठीक है हाँ जी, मुझे जी। लग जुकाम सा रहता है जी बेटा, जी। देखो छींक आने वाले को इस वक्त बहुत एहतियात करनी चाहिए और खट्टी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, गर्म पानी 5 बार पीना चाहिए और इसका इलाज मुस्तकिल तौर पर कर लेना चाहिए। आर्जी तौर पर भी इलाज बताता हूँ, मुस्तकिल तौर पर भी इलाज बताता हूँ। और देखिए आप लीजिए अलसी, उन्नाप और सपिस्तान,
ये तीन चीज़ें 100-100 ग्राम लें और 30 ग्राम इसमें पीपले मिलाएं, जो आपके किचन में गरम मसालों में लंबी लंबी काली काली पतली पतली पाई जाती है, 30 ग्राम मिला के पाउडर बनाएं और इसमें एक चम्मच सुबह निहार मुँह खाया करें और गर्म पानी पिए 5 बार। ये घरेलू नुस्खा है। वैसे इस वक्त हर शख्स को, चाहे वो रोगी हो या निरोगी हो, उसको एक दवा के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि ये इम्यूनिटी की दवा है। जिसमें भी इम्यूनिटी है या नहीं है, उसको एक खुराक ज़रूर खानी चाहिए, ताकि हम जो इस वक्त माहौल चल रहा है, पूरी भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक सा वायरस का माहौल है, ये इम्यूनिटी की दवा है। एक रोटी कम खाएं अगर हालात नहीं हैं, लेकिन एक खुराक ज़रूर खाएं। माजून आर केयर, और जो लोग अच्छे हालात के हैं वो सुबह शाम भी ले सकते हैं। ये अंदर का सैनिटाइज़र है, इम्यूनिटी बूस्टर है। इम्यूनिटी की दवा ज़रूर लें, हर शख्स ले, चाहे एक रोटी कम खानी पड़े मजबूरन, लेकिन ये अपनी हिफाजत करना, अपने आप को सुरक्षित करना, अपने बुज़ुर्गों को, अपने घर वालों को सुरक्षित करना बेइंतहा ज़रूरी है। जी, अगले कॉलर हैं जोधपुर से, बहादुर सिंह हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी बोलिए, सवाल करिए अपना। सर मेरे नस दबी हुई है, कमर में नस दबी हुई है, 7 साल हो गई। कमर में दबी है? हाँ जी, कमर में दर्द है, 7 साल हो गए, नस दबी हुई है, और ये टांगों में मतलब गोड़ा भी दर्द करते हैं, और कमर भी दर्द करती है, और गर्दन भी दर्द करती है, कंधे में भी दर्द करती है। ठीक है ठीक है, अपनी अपनी आयु बताना चाहें तो बता दीजिए। सर मेरी 70 साल आयु है, और मेरी नस दबी हुई है सर। ठीक है, और मैं 10 दिन पहले भी मैंने बात की थी आपसे। जी, तो आपको मैंने जवाब दिया था? अगर जवाब तो मिला होगा, मेरी ओर से आपको जवाब मिला होगा ना? हाँ, आपने 300 ग्राम अलसी और 300 ग्राम आंवला और 100 ग्राम चिया गूंद। जी जी, तो वही लीजिए आप, और एक एक ग्राम लेना। आप समझ लें, कोई कोई गलती से गलत ले लेता है, तो ये गौंद सियाह जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक है, इससे दवाएं बनती हैं। तो इसको एक दिन में आधा ग्राम से ज़्यादा नहीं ले सकते एक बार में, और दिन में 2 ही खुराक ले सकते हैं, लेकिन इसके मिश्रण के साथ आप 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम ले सकते हैं। ये आप शुरू करें, थोड़ा सब्र करें, थोड़ा संयम रखें, ये नुस्खा ख़त्म होते होते आपके सारे रोग हरना इसका काम है। भगवान से मदद मांगें और ज़मीन में ना बैठें, वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करें, उपयोग करें, तो निरोग हो सकते हैं। तो बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी सी जल्दबाजी आपने दिखा दी है, अभी 10 दिन पहले ही आपकी बात हुई है, आपने नुस्खे जाने थे और फिर से आपने कॉल किया, तो थोड़ा सा आप सब्र रखिए, संयम रखिए, क्योंकि धीरे धीरे करके ही दर्द को रिलीफ मिलता है, एकदम से बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये कोई पेन किलर नहीं है कि आपको कुछ ही घंटों में फ़ायदा हो जाएगा। आप लोग अगर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा या फिर 1 महीने का इंतज़ार कर सकते हैं, तो आप हमारे उपचार अपना लीजिएगा, ये आपकी इच्छा है। बाकी दर्शकों, नुस्खे तो लगातार आप लोगों को हकीम साहब यहाँ पे बता ही रहे हैं। अगर आप लोग अपने हर एक रोग को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो 4 से 5 महीने आपको देने होंगे। देखिए, इतने बड़े बड़े रोग आपको हो जाते हैं, आप जीवन भर अगर दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहते हैं, तो आपको हर बात ध्यान में रखनी होगी, हर बात आपको नोट डाउन करनी होगी। और हमेशा की तरह एक बार फिर से कहना चाहूँगी, टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिए, और साथ ही साथ कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए, जिससे कि आप हर एक बात नोट डाउन कर पाएँ। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, हमारे साथ अविनाश है बिलासपुर से, स्वागत है अविनाश जी। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। जी आदाब अविनाश जी। जी मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पिताजी 67 ईयर ओल्ड हैं, 67 साल, और उनको यूरिन में प्रॉब्लम होती है, यूरिन रुक रुक के आती है। अविनाश जी देखिए, कई दवाएं हैं जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, जिनको भी इस तरह की परेशानी ज़्यादा उम्र में होती है, वो एक नुस्खा तो ये है कि आप एक आता है जैतून का एस्टेक,
एस्टेक कहते हैं रसायन को, जैतून का एस्टेक, जिसे जैतून का नमक हम गांव की ज़बान में कहते हैं, ये ज़रा मुश्किल से मिलता है, और ये ले लीजिए, और दो चुटकी में जितना आए एक गिलास पानी में मिलाकर रात को उन्हें पिलाया करें, और ज़रूरत पड़े तो दिन में भी दे सकते हैं, एक खुराक और दे सकते हैं, एक ही खुराक से शुरू करें, आप देखेंगे कि एक दो दिन में ही फ़ायदा शुरू होगा, और 100-200 ग्राम अगर आप ये ले लेंगे तो बहुत आसानी से उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो बिल्कुल अविनाश जी, फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए नुस्खे अपना लीजिएगा। अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 24 आवर्स कभी भी। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। लगता है आपसे हमारा संपर्क टूट गया है, कोई बात नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। हम जानते हैं कि आप लोग परेशान हो जाते हैं कि हकीम साहब से आपकी लाइव बात नहीं हो पाई है या फिर आपकी कॉल कट हो गई है, तो दर्शकों प्रयास कीजिए, अगर क्या पता आपकी कॉल लग जाए या फिर आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की एक पूरी टीम बैठी हुई है जो बहुत इत्मीनान से आपकी बातें सुनती है। आप लोग सारी बातें उनसे बहुत आराम से कर सकते हैं, यहाँ पर समय का अभाव होता है, इसलिए आप लोगों से कहा जाता है कि जल्दी जल्दी अपना सवाल कीजिए और कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि नुस्खे बहुत कीमती होते हैं और अपना बहुत कीमती वक्त निकाल के आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं हकीम साहब। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी, वालेकुम सलाम, बताइए, नाम बताइए। जी मेरा नाम परवीना नेवी है। जी परवीना जी, सवाल आपका। हेलो, बताइए बच्चा, बताइए। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम सलाम, आज तो इन्होंने भी सलाम का जवाब दे दिया, बताइए। शुक्र अल्लाह का हकीम साहब, आपसे आज बात हो पाई है, जज़ाकअल्लाह। बताइए बताइए, क्या खिदमत। जी हकीम साहब, मेरा उम्र 24 साल है और मुझे ना वो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। ठीक है, सफेद पानी। हाँ, शादी हो गई आपकी? नहीं सर। ठीक है, जल्दी होने वाली है? उसके साथ सर 5-8 सालों से वही प्रॉब्लम है सफेद पानी की, उसके साथ साथ छाती, नजला, जुकाम ये भी रहते हैं। उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड करवाई थी तो उसमें से निकला PCOD, तो उसके साथ साथ डाइजेशन भी ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा परेशान हूँ घर पे वजन से हकीम साहब। ठीक है, तो देखिए खांसी नज़ला ज़ुकाम के लिए बाकायदा इलाज करिए। इस वक्त ऐसे लोग बहुत तकलीफ़ में हैं जिनको ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं हम लोग उर्दू में, और हिंदी में कहते हैं रोग प्रतिरोधक शक्ति का कम होना, और इम्यूनिटी को इंग्लिश में कहते हैं इम्यूनिटी का कम होना। तो इसके लिए माजून आर्केर लें 5 महीने लगातार, सुबह 1 चम्मच, शाम 1 चम्मच, और इसमें गर्म पानी पीना आपके लिए बहुत बेहतर है। और जो ख्वातीन को, महिलाओं को खट्टी चीज़ें पसंद हैं, वो इलाज के दौरान उन्हें छोड़ देना चाहिए तो वो ठीक हो सकते हैं। और ये जो इन्फेक्शन वगैरह है इसके लिए आप एक दवा आती है कलौंजी का नमक यानी एस्टेक कलौंजी या रसायन कलौंजी कह सकते हैं, आधा ग्राम आप पानी में मिला के रोज़ाना एक बार पिया करें, और चंद खुराकें लेंगे तो आपका ये परेशानी भी ठीक होना मुमकिन है।